हेलो गाइस, दिस इज तरुण सुनकर और हमारे कुछ व्यूअर्स का मैसेज आ रहा था, कमेंट आ रहा था कि हम इंटर डे पे हम स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा सकते हैं क्या, या हम MIS ऑर्डर पे हम अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा सकते हैं क्या। तो चलिए गाइस, हम इसी को आज हम लाइव समझते हैं। तो गाइस, आपको सिंपली सर्च बार में जाना है, यहाँ कोई से भी स्टॉक सेलेक्ट कर लेना है जिसमें आपको इंटर डे ट्रेडिंग करना हो। सपोज गाइस, मैं PNB में इंटर डे ट्रेडिंग करना चाहता हूँ और सिंपली आपको बाय की ओर स्लाइड कर देना है, यहाँ क्वांटिटी डाल देना है गाइस, और उसके बाद गाइस MIS ऑर्डर को सेलेक्ट करना है। MIS को सेलेक्ट करते हैं गाइस, उसके बाद सिंपली आपको कन्फर्म कर देना है। कन्फर्म करने के बाद गाइस, एक बार और आपको कन्फर्म कर देना है। कन्फर्म होने के बाद हमारा जो ऑर्डर है वो प्लेस हो जाएगा गाइस। आप सिंपली ऑर्डर स्टेटस में जाके आप इसको चेक कर सकते हैं, और उसके बाद गाइस आप सिंपली पोजीशन में जाके भी आप इसको देख सकते हैं कि हमारा ऑर्डर जो है वो प्लेस हो चुका है। अब गाइस सिंपली आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना है तो आपको इसी को क्लिक करना है, और उसके बाद फिर स्क्वायर आपको क्लिक कर देना है गाइस। स्क्वायर को क्लिक करने के बाद आपको यहाँ नीचे में स्टॉप लॉस का ऑर्डर दिखाई दे रहा होगा, उसको क्लिक करना है। जैसे अभी इसका मार्केट प्राइस चल रहा है 37.55 रुपया, तो गाइस मैं इसमें 36 रुपये पर अपना स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ, तो गाइस मैं यहाँ 36 रुपया ऐड कर दूंगा और सिंपली कन्फर्म कर दूंगा। एक बार और कन्फर्म करूँगा गाइस तो ये मेरा स्टॉप लॉस ऑर्डर लग जाएगा। अब इसको हम चेक करना होगा तो सिंपली ऑर्डर स्टेटस में जाके हम चेक कर सकते हैं। यहाँ गाइस सेल को क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिएगा गाइस, आपका ट्रिगर प्राइस शो कर रहा होगा 36 रुपये पे। आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं गाइस। तो गाइस आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा। तो चलिए गाइस, अब हम यह भी समझ लेते हैं कि इंटर डे पे हम अपना टारगेट प्राइस कैसे लगाते हैं। तो गाइस आपको सिंपली पोजीशन में जाना है, पोजीशन को क्लिक करना है, इसको स्क्वायर अप को क्लिक करना है गाइस। उसके बाद स्क्वायर अप को क्लिक करने के बाद गाइस आपको ये मार्केट ऑर्डर को क्लिक करना है। मार्केट ऑर्डर को क्लिक करने के बाद गाइस हम यहाँ अपने हिसाब से अपना टारगेट प्राइस लगा सकते हैं। सपोज गाइस मैं 39 रुपये पे अपना टारगेट प्राइस लगाना चाहता हूँ, तो सिंपली यहाँ 39 रुपये टैप कर दूंगा, उसके बाद सिंपली कन्फर्म कर दूंगा गाइस। एक बार और कन्फर्म करूंगा तो गाइस मेरा जो है टारगेट प्राइस है वो लग जाएगा। आप इसको ऑर्डर स्टेटस में जाके चेक कर सकते हैं। देखिए गाइस, ये मेरा मार्केट ऑर्डर है, ये सेल है जो मेरा स्टॉप लॉस ऑर्डर है, ये 39 रुपये पे मेरा ट्रिगर प्राइस लगा हुआ है गाइस, मतलब कि मेरा टारगेट प्राइस लगा हुआ है। तो गाइस आपको सिंपली यही स्टेप फॉलो करना है और आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर और टारगेट ऑर्डर आप लगा सकते हैं। थैंक यू गाइस।